अक्सर कुछ लोगों के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह के ब्रेकफास्ट से होती है और मेरा ब्रेकफास्ट ये है। मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा सुपाच्य और पौष्टिक होता है। आयुर्वेद का भी ऐसा ही मानना है। दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ होनी चाहिए, लेकिन आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस है, पराठा, दही, अचार बहुत हैवी हो जाता है। संडे को खा सकते हैं, लेकिन अगर हर रोज़ जब आप काम पर जा रहे हैं तो ये नहीं चाहिए। आजकल एक और चल गया है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसमें ब्रेड, एग्स, ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी। तो आपको देखना है कि क्या आप ब्रिटिश हैं क्या। हम तो भारतीय हैं, हमारी जो जीन्स हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, उसको हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो डिज़ाइंड इस तरह से किया गया है कि वो रिकग्नाइज करता है जो हमारी ट्रेडिशंस में चीज़ें चली आ रही। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो आजकल होती है, एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है। आप किसी जब होटल में जाकर रुकते हैं तो मैं देखता हूँ वहाँ पर जूस भी होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, फिर कुछ सीरियल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स और दूध साथ में, एक तरफ पराठा, डोसा, इडली, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी होती हैं और अक्सर वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो थोड़ा 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 सब खा लेते हैं लोग। लेकिन आपको याद रखना है कि ये आयुर्वेद में जो है इसको कहते हैं विरुद्ध आहार, यानी कि इनकॉम्पेटिबल फूड्स। अंदर जा कर के वो लड़ाई करने वाले हैं और आपको रोग पैदा करने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है मैं बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। पोहा खा सकते हैं या फिर उपमा, बहुत अच्छा रहता है, एनर्जेटिक भी है, उसमें जो है इजीली डाइजेस्टेबल है। इडली सांभर अगर आपको पसंद है वो भी आप खा सकते हैं। बेसन का चीला बनाइए, या चुकंदर अगर मिलती है तो चुकंदर का ग्रेट करके और उसको आप जो है आटे में मिला करके उसका एक चीला बना सकते हैं, पैनकेक जिसको आजकल बोलते हैं। आप इसके अलावा जो है ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा रहता है अगर पराठा भी आपको खाना है, जो कि रोज़ नहीं खाना है, संडे को खाइए, तो मल्टीग्रेन उसमें आप यूज़ करें, केवल गेहूं ना यूज़ करें, मल्टीग्रेन। अगर आपको पूरी खानी है तो पालक उसमें थोड़ा डाल दीजिए। मोरिंगा आजकल बहुत पॉपुलर है, मोरिंगा के भी आप जो है चीला बना सकते हैं। गाजर अगर सीजन में है उसका चीला बना सकते हैं। तो ये सरल और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर पीने के लिए आपको कुछ चाहिए तो हर्बल टी पीनी है या आयुर्वेदिक चाय पीनी है। जो नॉर्मल ब्लैक टी है वो नहीं पीनी है, उसको कभी भी भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। हम तो कहते हैं चाय पीनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो कहते हैं बहुत हम लोग बिजी हैं, टाइम ही नहीं है, स्किप करते हैं, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो आप ऐसे समझिए कि आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला आपने, तो ज़्यादा दूर नहीं चलेगी वो, फिर आपके बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती है। हाँ, ब्रेकफास्ट में कुछ लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन जब आप फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट्स के साथ आप ग्रेन्स मिक्स मत करिए। ये है आपका जो है एक आइडियल ब्रेकफास्ट। इसको आप सेवन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा सुखी रहें, ऐसी हमारी कामना है।